बात है, आजकल कुछ खाना वाना नहीं खा रहे हो ठीक से? का ना मैडम जी, थोड़ा कड़ती चल रहा है, आज भी ठीक से नहीं खाए। बहुत भूखे हो गए फिर तो हैं? हाँ मैडम, अगर घर में कुछ हो तो खिला दीजिए ना। हाँ हाँ है ना, 10 किस्म के जूते हैं, कौन सा खाओगे बोलो? दौड़ाओ, जल्दी दौड़ाओ रिक्शा। हाँ जी। अरे बापरे, मम्मी जी भी आ जाएंगे, जल्दी करो। लगाई हमको है, हमसे भाग के लप्पू टप्पू पे बैठ गई होगी। क्या ढूंढ रही दादी? हमारा का जो सामान गुम हो गया है, सोचा कहीं उड़ के तुम्हारे कमरे में तो नहीं आ गया है। क्या कर रही थी, क्या लप्पू टप्पू पे? कुछ नहीं दादी, कुछ नहीं कर रही थी। काहे प्रीतिया बन गई तू, दिखा क्या कर रही थी। अरे जल्दबाजी में तो पेज क्लोज करना ही भूल गई, अब क्या करूं? खोलो खोलो खोलो। ये तो बंद हो गया दादी, फिर से चालू कर दे। बोल खुल जा सिम सिम, और दादी को दिखा दे कि हम क्या देख रहे थे, ये कौन मरा जा रहा है, दिखा दिखा। ए सुन, पता कपड़े देख रही थी ना? हाँ हाँ, कपड़े देख रही थी ना, तो त्योहार आ रहा है, पहले अच्छा सा एक ब्लाउज और साड़ी बना देना है। हाँ हाँ मिश्रायन, एक बोलना मत। हाँ बोलो बोलो बोलो, है आग लग गई कहाँ कहीं? रोको रोको। दरवाजा कहीं नहीं खोल रही थी, इतनी देर से बजा रहे हैं दरवाजा, क्या कर रही थी आप? वो हम काम कर रहे थे। क्या काम कर रही थी, कुछ तो नहीं किया? अच्छा सुन, तू गई कहाँ थी? हम यहाँ का 10 लोग दिखाई दे रहे हैं, तुम ही से पूछ रहे हैं, बिना हमसे पूछे गई कहाँ थी तुम? नहीं हम तो कहीं नहीं गए थे मम्मी जी। हाँ। ये फोटो किसकी है? हमको लगता है कि हमने इनको कहीं देखा है। ए, बात बदलने की कोशिश मत करो, हमें मालूम है कि तुम अमित से मिली थी और तुमने अमित से पैसे भी मांगे थे। नहीं वो अमित जी ने बताया। हाँ अमित ने फोन किया और अमित ने बताया हमें। नहीं मम्मी जी, हम तो अमित जी से नहीं मिले, तो घर से बाहर नहीं निकले। झूठ बोलती हो तुम, तुमने अमित से कहा ना हमने मन्नत मांगी है, हमें मंदिर जाना है, हमें पैसे चाहिए। अरे कैसे बात कर रही हूँ मम्मी जी। अच्छा एक बात बताओ, आपने हमको एक घर में रहने को कहा था ना, तो हम आपके आगे कैसे टाल सकते थे, हम कहीं नहीं गए हैं मम्मी जी। हाँ हमको लगता है कि क्या लगता है? वो लगता है कि हमारी जुड़वा बहन तानी आ गई होगी। तानी? 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 कि तानी कहाँ से आ गई? मम्मी जी, जैसे रिया की शादी में प्रिया आ गई थी ना जुड़वा बहन, वैसे हो सकता है। और अमित जी ने हमारी जुड़वा बहन को ही देखा होगा, वो बात अलग है कि हमको इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कमाल करती हो तुम, जब तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारी जुड़वा बहन है भी या नहीं, तो तुम कैसे कह रही हो कि अमित से जुड़वा बहन मिली होगी? अरे मम्मी जी, वो हम इसलिए कह रहे हैं कि हम तो घर पे थे, अमित जी ने किसी और को देखा, तो होगा ना कि उसने उन्होंने किसी दूसरी लड़की को देखा होगा, हमारी जुड़वा बहन को। अरे पागल हो गई होगा, बोरा गई हो, हम तुम्हें बचपन से जानते हैं, हमें मालूम है कि तुम्हारी कौन जुड़वा बहन है ये नहीं। मम्मी जी के बारे में हम चाची से पूछते हैं, वो बताएंगी सही से। चलो पूछो पूछो। बंदरिया नचाएगी का, डमरू काहे बजा रही है? अरे नहीं मम्मी जी, वो देखना अभी चाची कैसे गुलाटी मारते हुए आएंगी। गुलाटी तो मारती है। कहाँ हो गया? ये डुगडुगी काहे बजा रही हो? अरे डमरू नहीं, तो बुलावा घंटी है। वो तो हम जान गए हैं, पर काहे बुला रही हो हमको? चाची वो मम्मी जी कह रही कि हमको बाजार में अमित जी ने देखा था, अब आप ही बताओ ना, हम तो घर पे ही थे ना। ये बात हम कैसे कह सकते हैं, हमने तो तुमको बहुत देर से देखा ही नहीं, तुम्हारी तो खिड़की बंद थी। देखा? अब आप भी हमारी गवाही नहीं दे रही हैं। चाची हाँ? एक बात बताओ, कहाँ हमारी कोई जुड़वा बहन है का? जुड़वा बहन
नहीं नहीं नहीं, कोई जुड़वा फुड़वा बहन नहीं है तुम्हारी। जुड़वा बहन नहीं है तो अम्मी जी ने किसको देखा? मम्मी जी, ताती तो कह रही कि हमरे कोनो जुड़वा बहन नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि जरूर हमारी जुड़वा बहन है। अरे ये सब लटकन झटकन, ये सब सजावट पर्दे, ये सब काहे किया तूने? और ये पंखा तो वहां हवाबाजी करता है ना, इसे यहाँ काहे लाई है? मम्मी जी कहा है ना कि अगर पुलिस दोबारा आ गई ना तो आपकी बहू को ऐसे खुले कमरे में देखेगी और उमा पंखा भी नहीं होगा तो अच्छा लगेगा। का वो कहा है ना कि अभी थोड़ी देर पहले वो दरोगा मैडम थी ना, वो नीचे से ही गुजर रही थी, बस आपके बारे में पूछ रही थी। हमने भी बता दिया कि हमारी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, और वैसे भी अब की खुली जगह है, पंखा भी नहीं होगा, पूरे मोहल्ले वाले देखेंगे तो क्या अच्छा लगेगा, इसीलिए हमने ये सब पर्दे वर्दे लगा दिए हैं ताकि घर की बात घर ही में रहे। ये जलवे हमें तो दिखाना मत रनिया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम बार बार हमें पुलिस की धमकी दोगी और हम बार बार डर जाएंगे? तूफान रोके से रुक सकता है रानी, हमारा नाम सरला है सरला। अगर हमने अपना रौद्र रूप दिखा दिया ना तुम्हें, तो मुगल सराय की जितनी भी गलियां हैं ना, सब की सब छोटी पड़ जाएंगी तुम्हारे भागने के लिए। हिम्मत कैसे हुई हमारा हाथ पकड़ने की? तू जैसियों को तो हम अपनी हाथ की छोटी उंगली के नीचे दबा के रखते हैं, समझी? जितनी से भी कभी गलत फहमी में मत रहना कि तूने हमें इस कहानी से बेवकूफ बना दिया। बहुत मजा आ रहा है बिना हमसे पूछे घर से बाहर घूमने में, सारा मजा निकाल देंगे तुम्हारा रानी। राम राम अम्मा जी। राम राम, बैठे बैठे पंडित जी। लाए जी, जैसा आपने कहा था वैसे ही रिश्ते लेकर के आया हूँ। पहले कौन कितना लेता है बता दीजिए, फिर फोटो तो देखते रहेंगे। अब के सबका रेट कार्ड लेकर आया हूँ, कौन कितना लेता है, मास्टर कितना लेता है, आपका इंजीनियर कितना लेता है, डॉक्टर कितना लेता है, इसमें सब लिखा हुआ है कितना क्या रेट है। हम कहा देखे, आप पढ़ के सुना दीजिए। देखिए, जो लड़का नौकरी करता है ना मार्केटिंग, उसकी तनख्वाह जो है 20,000 रुपए और उसकी रेट 15,00,000 रुपए। यही करता है ना जी दादी? 15 और 15, 30 लाख का नुकसान करा दिया बुलेट राजा ने। अरे प्रभा रानी, पहली बार तो जिंदगी में तुम्हारी भतीजी ने कोई अकलमंदी का काम किया। बहुत अच्छा किया रानी बिटिया, पर्दे लगा दिए, बहुत अच्छा किया। ऐसा करो, ये पर्दे कभी मत हटाना, लगा दो, अच्छी तरह से ढक दो। ये ऐसे का है ना कि बंदरिया लोग है ना, उचकती रहती हैं छत पे, उन्हें कुछ दिखना नहीं चाहिए, है ना? ये पर्दे ऐसे ही लगा के रखना, और अगर ये पर्दे हटाए ना तो तुम्हारा वो हाल करेंगे जिंदगी भर याद रखोगे, समझी? जी। मम्मी जी, का है? एक बात बताइए जरा हमको। हाँ। ये आप फोटो फ्रेम अपने सीने से लगा के काहे घूम रही थी? तुम का थानेदारनी हो यहाँ की? तुम सास हो हमारी या हम तुम्हारी सास है? हमेशा ऐसे फालतू सवाल पूछते रहती हो, तुम्हें का है हम फोटो फ्रेम चाहे सिर पे लगा के नाचे है, चाहे सीने से लगा के रखे? रख दो फोटो फ्रेम टेबल पे, रखो, छुआ मत, गंदा हो जाएगा, रखो। जी चलो जाओ रसोई में, हमारे लिए पानी लेकर आओ। लाते हैं। कभी कभी भगवान भी मेहरबान हो जाता है, अच्छा हुआ ये फोटो फ्रेम ऐसे ही हमारे हाथ लग गया। जरा जाके तो देखें ये रसोई में कौन से गुल खिला रही है। बाकी इंजीनियर और डॉक्टर की रेट तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक लड़का जो है वो गार्ड अगर है रेलवे में तो उसकी 25,00,000 रुपए रेट है, और सीनियर गार्ड की 35,00,000 रुपए। रेलवे गार्ड हो, थोड़ी उम्र बढ़ गई हो तो कितना मिलेगा? ये तो माँ जी उसकी उम्र पर निर्भर करता है। अंदाजा दो हमको कि अगर उम्र थोड़ी थोड़ी ज्यादा है और शादी हो गई हो कितना मिलेगा? उसका 17-18 तो हो गई।
कुसिया, ओ कुसिया। क्या हुआ मुझे? एक पंडित जी कह रहे हैं सीनियर रेलवे गार्ड हो तो 35 लाख दहेज है। आज अगर रघुवा की शादी भी हम दोबारा कराए तो 17-18 लाख तो कहीं ना ही गए। सोने जैसा बेटा है हमारा, तुम्हें मुफ्त में मिला ना तो कदर नहीं। आज भी 17-18 लाख। अम्मा जी अब अपन फोटो देख लेते। 35 लाख पे पानी फिर गया। पहले फोटो तो देखिए अम्मा जी। दिखाओ दिखाओ। पहले अपन प्रीति बिटिया के लिए देख लेते हैं, उसके बाद निमिता बिटिया के लिए देख लेते। का है कायदे से तो प्रीति की शादी पहले होनी चाहिए, बड़ी है। और हमारी जो छोटी रानी है ना, बड़ी उत्साही है, अपनी अम्मा के पीछे पड़ी रहती है, हमारी शादी करा दो, हमारी शादी करा दो, हमारी शादी करा दो। तो पहले उसकी शादी करा देंगे ना। अम्मा जी आप चिंता मत करिए, मैं बहुत रिश्ते लेकर के आया हूँ। पहले ही कहते हैं दहेज प्रथा के खिलाफ है हम। नाती पोते की शादी की हमने दोनों की, 1 रुपया नहीं लिया, रघुवा ने 1 रुपया नहीं लेने दिया। जी जी अम्मा जी ऐसे दिखाएंगे। ये देखिए ये लड़का रही संजय। का नाम? रहीसन। रहीसन। हाँ, इसने शादी तो कर ली थी लेकिन इसकी औरत जो है ना वो ऐसे मर गई। नहीं नहीं पर रोक सीधा। नहीं वो मई के चली गई, लेकिन अब ये लड़का जो है ना शादी के लिए राजी हो गया। भाग के नहीं जाएगी तो और क्या करेगी? वो चंबल का कोई डाकू लगता है, एक साइड से तो वो वीरप्पन जैसा दिखता है। दादी कैसे किसी से भी हमारी शादी करा देगी क्या? पंडित जी ऐसे रिश्ते काहे दिखा रहे हैं? कोई अच्छे रिश्ते दिखाइए हमारी बिटिया के लिए। अच्छा ही तो दिखा रहे हैं सब। ये देखिए ये लड़का पद्मभूषण है। अरे वाह, पद्मभूषण मिला है? किस बात के लिए? मिला नहीं है, उसका नाम पद्मभूषण है। इसकी भी औरत जो है ना, नहीं वो मर गई। ये मर गई कुएं में गिर के, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। अम्मा जी हम ऐसे रिश्ते काहे ढूंढ रहे हैं बिटिया के लिए? कोई अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं ना, कुंवारा लड़का तो कितना। दादी के लिए हाथ ना कह दी ना। हाँ बताओ अब तीसरे का क्या परपंच है? ये लड़का इसकी जो पत्नी है वो छोड़ के चली गई, यानी कि तलाक दे दिया। जी ऐसा मत। चौथे की क्या कहानी है पंडित जी? सरकारी ऑफिसर है, बहुत पैसा कमा रहा है, गाड़ी घोड़े बंगले सब कुछ है, लेकिन इसकी पत्नी जो 2 दिन रही और छोड़ के चली गई। वो क्या है ना कि वो लड़की दरअसल इससे शादी नहीं करना चाहती थी इसलिए चली गई। और इसके विचार भी बड़े उच्च हैं, कहता है न तो दहेज लेता हूँ न दहेज देता हूँ। आप जैसे ही विचार है इसके भी। कितना अच्छा लड़का है, रघुवा जैसे ही विचार है कुसिया। हाँ तो पंडित जी इसके साथ बात चला। नहीं दादी आप परिधि के लिए अच्छे अच्छे लड़के ढूंढती हो और हमारे लिए ऐसे, किसी की बीवी मर गई है, किसी को छोड़ के भाग गई है, क्यों दादी क्यों? मैं किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करूंगी। कैसी बात कर रही हो बेटा, लड़का कोई भी खराब नहीं है, यही कि शादी सफल नहीं हुई। लड़का तो ये भी सही है, और फिर लड़की का इस तरह से बुजुर्गों में बात करना, दादी अम्मा बैठी हुई है, हम सब बैठे हुए हैं, ये अच्छे लड़की की जो है निशानी नहीं है। सही कह रही है छोटी रानी। अरे छोटी रानी क्या हुआ कि सरकारी नौकरी है, लड़के के पास बंगला गाड़ी है, नौकर चाकर है, शादी शुदा था। पंडित जी ये शादी कैंसल, बस
का अम्मा जी? खातिरदारी कर पंडित जी की। पंडित जी आप चाय नाश्ता जो करना है कीजिए और बहुरिया के वापस आने का मुहूर्त ढूंढिए, हम आते हैं। जी देख ये है ना चंदर की दुकान, उसका बेटा बड़ा अंग्रेज है। अरे अंग्रेज नहीं पर अंग्रेजी बोल लेता है। रुका है कि रुकाई खासिम दोनों बैठ के कारीदारी कर देना, घर में वैसे भी कपड़े काटती रहती है, इसके साथ काट लेना, आ जाएंगे पैसे। बोल बात चला, शादी सुधा ना ही दिखने में भी।